So guys, if you're planning to go abroad for your further studies and if you're looking for some serious guidance, then this video is for you. इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताने वाला राइट फ्रॉम फंडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी सिलेक्शन जॉब अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन पैटर्न अकोमोडेशन लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपके कवर करूंगा। एंड अगर आप स्पेसिफिकली यूके जाना चाहते हो तो ये वीडियो तो जरूर आपके लिए है क्योंकि आई हैव बीन टू द यूके फॉर माई मास्टर्स। तो इसमें काफी सारे स्पेसिफिक्स एंड डिटेल्स जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको काफी यूजफुल होंगे। एंड अगर आप यूएस कैनेडा जर्मनी जाने का सोच रहे हो तो फिर जस्ट गिव इट अ थॉट, यूके भी काफी अच्छा ऑप्शन है एंड यू विल फाइंड out by. And also if you're new to this channel then do subscribe to the channel, don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time. So hey guys, my name is Siddhant and welcome back to a new video, and this video is called everything that you need to know before going abroad for studies, right? So this video mein we are literally going to see each and everything, right from the funds that you require, eligibility criteria, university kaise select karni hai, education pattern kya hai, each and everything we are going to study right in this video. To agar aap interested ho to ye video zarur aakhir tak dekhna. This video can be a little long but you can use the timestamps in the description box below if you want to go and check out some specific point in this video, right? And also maine iske pehle ek video banaya tha, that was about my experience in the UK, right, where I had shared the whole experience of my masters in the UK. To usme maine यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के बारे में बताया, वेर आई हैव डन माय मास्टर्स इन बिजनेस एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। इट इज रैंक 27th ग्लोबली, राइट? इट इज मच अबव आवर आईआईटी आईएम्स। तो मैंने उसके अंदर मेरा पर्सनल सारा एक्सपीरियंस मैंने उसमें बताया है, मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन था, उसमें जो स्टडी पैटर्न था, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, फ्रेंड्स थे, नेटवर्क्स था, जो भी खाना पीना घूमना था, वो सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर बताई थी एज माई एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आप एक गाइडेंस के लिए वीडियो चाहते हो तो फिर ये वीडियो जरूर आखिर तक देखना। दिस वीडियो इज फॉर यू एंड ये होने वाला है गाइडेंस के फॉर्म में, ना कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट फॉर टुडे एंड दैट इज यूनिवर्सिटी सिलेक्शन एंड दैट इज द फर्स्ट and the most important point. अगर आप यहाँ पे गलती करते हो so this can be your first and last point as well, right? So make sure that you listen to this point carefully. अगर आप क्योंकि आप फॉरेन जा रहे हो, आप काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने एजुकेशन के ऊपर, तो आपको ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपको एक अच्छा ROI आए एंड एक अच्छा एजुकेशन मिले। सो द फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगा कि अगर आप कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको एक या दो यूनिवर्सिटीज नहीं सिलेक्ट करने होते, राइट? आपको 10-12 यूनिवर्सिटीज सिलेक्ट करने होते हैं बेस्ड अपॉन योर कोर्स, राइट? जो भी आप कोर्स देख रहे हो उसके ऊपर आपको 10-12 यूनिवर्सिटीज सिलेक्ट करने हैं। देन यू हैव टू कंपेयर द कोर्स मॉड्यूल्स एंड वहां से फिर आपको टॉप 4-5 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने हैं टू हूम यू आर गोइंग टू अप्लाई। तो इवन आई हैड डन द सेम, आई हैड सिलेक्टेड अबाउट 10 यूनिवर्सिटीज बेस्ड अपॉन देयर कोर्स मॉड्यूल्स एंड देयर रैंकिंग्स। नाउ रैंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड में 25,000 यूनिवर्सिटीज है ऐसे माने जाते हैं रजिस्टर्ड। सो इफ द रैंक ऑफ योर यूनिवर्सिटी इज अंडर 250, सो यू आर गेटिंग इनटू द यूनिवर्सिटीज दैट आर रैंक्ड अमंग द टॉप 1%, राइट? अब यहाँ पे आप काफी सारे प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हो फॉर चेकिंग द रैंकिंग, लेकिन जो मोस्ट वाइडली जो कंसिडर्ड दैट इज द टाइम्स हायर एजुकेशन THE के रैंकिंग्स एंड द सेकेंड इज QS रैंकिंग। ना QS रैंकिंग इज एक्चुअली ग्लोबली अक्लेम्ड एंड जो ग्लोबली कंसिडर भी किए जाते हैं। तो अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी को अप्लाई करने के लिए देख रहे हो तो फिर मेक श्योर कि आप उसकी पहले QS रैंकिंग चेक कर रहे हो एंड अगर वो 150 के अंदर आ रही है देन इट इज अ गुड यूनिवर्सिटी। देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज लुकिंग एट द कोर्स मॉड्यूल्स। नाउ द सेकंड इज रिक्वायरमेंट्स और द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर योर कोर्सेज। नाउ दिस इज हाईली सब्जेक्टिव, राइट? लेकिन अगर आप यूके जाना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता सकता हूँ। तो उसके लिए द फर्स्ट इज अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो आपके पास 10th-12th के ग्रेड्स अच्छे से होना चाहिए, दैट शुड बी एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, दैट इज रिकग्नाइज्ड। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे कंसिडर इज एक्स्ट्रा करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपके पास कोई वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स में हो म्यूजिक में हो, तो ये सारी चीजें भी आपको उसमें इंक्लूड करनी है। IIT जैसे नहीं है कि JEE क्लियर कर दो मिल जाएगा, समझे? Now speaking of some extra entrances that you need to give, तो अगर आप US जा रहे हो तो फिर GRE, GMAT आपको देने पड़ते हैं। वैसे ही अगर आप UK जा रहे हो and if you are going for master's degree, bachelor's degree, तो फिर आपको IELTS देने पड़ेंगे, TOEFL देना पड़ेगा। तो IELTS and TOEFL are the two English language tests that you need to give. So you don't need to give both of them, you need to give just one of them. And IELTS देते हैं सारे लोग mostly, तो you can give IELTS. And उसके अंदर 9 bands होते हैं, उसमें से you need to score
एनीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड बाय योर यूनिवर्सिटी, राइट? तो यूनिवर्सिटी के पेज के ऊपर आप जब अपने कोर्स में जाते हो तो वहां पे कोर्स रिक्वायरमेंट्स के अंडर आपको IELTS का स्कोर मतलब दिया रहेगा 6 out of 9, 6.5 out of 9, 7 out of 9, जितनी बेहतर यूनिवर्सिटी उतना IELTS का स्कोर ज़्यादा लगेगा वहाँ पे, राइट? सो मेक श्योर दैट यू अपीयर फॉर IELTS. सो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वॉन्ट टू गो टू द UK. सो नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो काफी सारे बच्चों को पता करना होता है, एंड दैट इज एजुकेशन पैटर्न, द लर्निंग पैटर्न दैट इज इन द UK, राइट? तो एजुकेशन पैटर्न क्या है, लर्निंग पैटर्न क्या है UK में? सो आई कैन शेयर फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने वहाँ पे मास्टर्स इन बिजनेस किया, तो आई डन मास्टर्स innovation management and entrepreneurship from Alliance Manchester Business School, right? So education is absolutely amazing, right? And I'm saying this because University of Manchester is a highly credible university, one of the best in the world, ranked 27th globally, right? So it is amazing. But in general, मैंने जो भी देखा है, मेरे कुछ friends दूसरे universities में भी है, the education pattern is actually totally different from what we see in India, and it is actually more easy to learn, it is more practical based, presentation based, and काफी सारी चीजें group discussions, teamworks के ऊपर depend करती है. So an amazing part about studying in the UK is that the study pattern is very interactive, right? तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप class में बैठे हुए हो and the lecturer is just teaching you the theory. So there are cross questions, there are group activities that you need to do, and so it becomes a very very interactive class, काफी interesting class हो जाता है. So that makes it very interesting to learn. You learn practically, you learn by implementing, and you learn by working in groups. That is teamwork, right? वहाँ पे एक चीज मैंने देखी कि काफी ज़्यादा फोकस होता है टीम वर्क के ऊपर एंड प्रैक्टिकल्स के ऊपर एंड प्रेजेंटेशंस के ऊपर. फॉर अस इट वाज लाइक हाफ डे वाज थियोरीज एंड लेक्चर्स एंड द रिमेनिंग हाफ डे वाज जस्ट ग्रुप वर्क, प्रैक्टिकल्स एंड डिस्कशंस, राइट? एंड इवन द लेक्चर्स वर आल्सो वेरी इंटरेक्टिव, राइट? सो प्रोफेसर्स एवरी वीक कोई ना कोई कॉम्पिटिशन रखते हैं, क्विजेज रखते हैं, या फिर जो भी सिखाया जा रहा है उसके ऊपर आपको कुछ टास्क देंगे करने के लिए. सो इट इज वेरी वेरी अमेजिंग वे ऑफ लर्निंग. स्पीकिंग ऑफ द एग्जामिनेशन, आई थिंक एग्जामिनेशन का भी पैटर्न टोटली डिफरेंट है क्वेश्चन पेपर में स्पेशली. मतलब मैं स्पेसिफिकली मेरे बारे में बात कर सकता हूँ, तो बिजनेस केस स्टडीज काफी आते थे एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन काफी आते थे. सो देर वॉज नो चांस ऑफ इवन कॉपिंग, देर वॉज नो चांस ऑफ मगिंग अप एनीथिंग. कोई भी मतलब बाय हार्ट करने की कोई चीजें नहीं थी. सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, बिजनेस कॉन्सेप्ट्स, एंड देन यू नीड टू सॉल्व द केस स्टडीज गिवन इन द पेपर, राइट? रिटन पेपर्स ही होता है, तो जैसे हमारे यहाँ पे होता है यू गेट द शीट एंड यू नीड टू राइट इट डाउन विद इन दोज 2 hours or 3 hours, राइट? एंड आई थिंक आप जब ऐसे इंटरेक्टिव वे में लर्न करते हो ग्रुप डिस्कशन से, टीम डिस्कशन से, टीम वर्क से, जब आप सीखते हो, टास्क करते हो, सो यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर विद द स्टूडेंट्स हैव कम फ्रॉम वेरियस कंट्रीज. नाउ इन माई कोहोर्ट, लाइक हमारे कोर्स के लिए इन सो आर कोहोर्ट वॉज ऑफ 62 people, वहाँ पे 28 कंट्रीज से लोग आए थे, राइट? सो यू गेट अ ग्रेट एक्सपोजर, यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन थ्रू डिफरेंट कल्चर्स, हु हैव कम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, राइट? एंड यू गेट अ लॉट ऑफ नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज एज वेल with your professors, with the students as well, जो आपको बाद में future में काफी काम आ सकते हैं. Now we're going to the fourth point, and that is funding, that is investment that you need to put in while going abroad. Now actually ये point मैं पहले consider करने वाला था before education, but now that I've forgotten, so funding अभी ले लेते हैं. And yes, it is expensive, you are going to invest a lot of money into it unless you get a scholarship, right? And it is expensive, and therefore you need to make sure कि आप अच्छे से केयरफुली कॉन्शियसली एक अच्छा चॉइस कर रहे हो, राइट? उसके अंदर. सो स्पीकिंग ऑफ द कॉस्ट, आई थिंक यूके में अगर आप ऑन एन एवरेज कोई भी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो यूके में द मास्टर्स और एमबीए इज द 1 year कोर्स, राइट? इंडिया में 2 years है, यूएस में 2 years है, लेकिन यूके में मास्टर्स हो या फिर एमबीए हो, इट इज जस्ट 1 year कोर्स. लेकिन यूके में 1 year की जो फीस है अप्रोक्सीमेटली दैट रेंजेस फ्रॉम अबाउट 15 lakhs टू 25 lakhs, 26 lakhs. अगर आप बहुत ही ज्यादा अच्छे कॉलेज में जा रहे हो, जैसे कि ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, या फिर मैनचेस्टर जैसे यूनिवर्सिटी में, एडिनबर्ग में, किंग्स कॉलेज लंदन में, लेकिन अगर आप लोअर रैंक्ड कॉलेजेस में जा रहे हो तो फिर वहाँ पे 15 lakhs, 16 lakhs पर एनम की भी फीस हो सकती है, एंड दिस इज द ट्यूशन फीस, राइट? इसके ऊपर फिर आपको 6 to 7 lakh रुपीज अकोमोडेशन एंड एवरीथिंग दैट कम्स सेपरेटली, राइट? तो वो हम लोग आगे अकोमोडेशन एंड मिसलिनियस एक्सपेंसेस में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे अगर आप एवरेज लोगे तो अकोमोडेशन एंड ट्यूशन फीस मिला के अप्रोक्सीमेटली 24-25 lakhs तक आपका एक्सपेंसेस आ सकता है यूके में फॉर 1 year मास्टर्स कोर्स, राइट? एंड
सिमिलरली अगर आप इंडिया में भी देखोगे तो IIM हो या फिर NMIMS हो, जो भी सारे टॉप MBA कॉलेजेस है, तो इवन दे चार्ज द सेम अमाउंट बट दैट इज फॉर 2 years, राइट? तो आप 2 लाख, तो फिर आप यहाँ पे 2 साल में 25 लाख खर्च करो. UK में आपको डिग्री 1 साल में मिल रही है, तो वहाँ पे आप 1 साल में 25 लाख खर्च करो. लेकिन यहाँ पे भी खर्चा उतना ही आने वाला है अगर आप कोई अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज में जा रहे हो. एंड काफी लोग स्कॉलरशिप्स के बारे में पूछते हैं, तो लेट मी टेल यू वन थिंग दैट स्कॉलरशिप्स का वैसे कोई अलग से एप्लीकेशन नहीं है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू एक्सेप्शनल वंस, लेकिन दे आर नॉट एप्लीकेबल टू मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स. लेकिन अगर आप एक नॉर्मल एप्लीकेंट हैं, इफ यू वांट टू गेट कंसिडर्ड फॉर स्कॉलरशिप, सो वेन एवर यू एक्सेप्ट दैट ऑफर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, यू आर ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड फॉर द स्कॉलरशिप, राइट? तो जो भी एप्लीकेंट्स को ऑफर मिलती हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, दे आर ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर स्कॉलरशिप्स. एंड जो भी लिमिटेड सीट्स होंगे उसमें से फिर दे विल गिव स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स बेस्ड अपॉन द मेरिट्स एंड द रिक्वायरमेंट्स, राइट? तो आपको कोई सेपरेट एप्लीकेशन नहीं करना है फॉर स्कॉलरशिप्स. तो अगर आप कोई यूनिवर्सिटी का, अगर आप एक्सेप्ट करते हो ऑफर लेटर, आप एडवांस पे करते हो, सो यू आर ऑटोमेटिकली बीइंग कंसिडर्ड फॉर द स्कॉलरशिप. अगर आपको मिलती है तो फिर आपको विद इन फ्यू वीक्स आपको इन्फॉर्म किया जाएगा. अगर आपको कोई इंटीमेशन नहीं आया, इसका मतलब आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली, राइट? अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बात है, काफी सीरियस बात है, बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट दैट यू आर मेकिंग. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट डोंट टेक पर्सनल लोन्स टू फंड योर एजुकेशन इन अब्रॉड, राइट? तो पर्सनल लोन्स मत लीजिए बैंक से, हाई इंटरेस्ट रेट पे मत लीजिए, ताकि आप जब आपको रिटर्न करना पड़े, इंस्टॉलमेंट्स पे करने पड़े, तब आप डबल अमाउंट पे करके पूरा अमाउंट रिकवर करें, राइट? सो डोंट टेक पर्सनल लोन्स, इट इज़ अ टोटल नो. यू कैन वर्क समवेयर, यू कैन गैदर दैट मनी एंड देन यू कैन गो अब्रॉड फॉर स्टडीज. लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, सो डोंट टेक पर्सनल लोन्स, बट यू कैन ऑफ फॉर एजुकेशनल लोन्स, राइट? बिकॉज एजुकेशनल लोन्स यू गेट एट गुड इंटरेस्ट रेट्स, एंड प्लस ऑल्सो उसके इंस्टॉलमेंट जो होते हैं वो आफ्टर योर एजुकेशन स्टार्ट होते हैं. सो वंस यू कंप्लीट योर एजुकेशन एंड वंस यू स्टार्ट अर्निंग, दैट इज वेन द इंस्टॉलमेंट स्टार्ट्स. तो यहाँ पे काफी सारे इंडिया में, मतलब काफी सारे बैंक्स में उनके पास लिस्ट होती है इंस्टीट्यूशंस की, ए ग्रेड इंस्टीट्यूशंस, बी ग्रेड इंस्टीट्यूशंस, सी ग्रेड इंस्टीट्यूशंस, डिपेंडिंग अपॉन द रैंक्स. तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी काफी अच्छी रैंक्ड है एंड अगर वो ए ग्रेड में आती है, तो फिर आपको ज्यादा अमाउंट भी लोन मिल सकता है एंड आपको एक अच्छे इंटरेस्ट रेट पे भी मिल सकता है. एंड सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट अ ग्रेट यूनिवर्सिटी एट फर्स्ट, राइट? जस्ट सो यहाँ पे फंडिंग में या फिर एक्सपेंसेस जो भी होने वाले, यहाँ पे एक बेसिक पॉइंट है कि जितनी बेहतर यूनिवर्सिटी उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है, राइट? एंड दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर US एज वेल. MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, दे हैव फीस ऑफ ओवर 1 crore फॉर अ ईयर, राइट? फॉर 1 year. एंड वहीं पे आप अगर कोई भी छोटे मोटी यूनिवर्सिटी में वहाँ पे चले जाओगे, तो फिर वहाँ पे भी फिर 20-30-40-50 lakh रुपीज पर ईयर होती है. नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो काफी लोग पूछते हैं, दैट इज जॉब अपॉर्चुनिटीज. नाउ कंसिडरिंग दैट यू हैव बीन टू अ गुड यूनिवर्सिटी जो भी टॉप 150 रैंक के अंदर आती है, सो आई थिंक यू हैव ग्रेट प्रॉस्पेक्ट्स फॉर फ्यूचर जॉब्स. एंड अगर आप बहुत ही मतलब आगे वाले रैंक में या फिर पुअरली रैंक यूनिवर्सिटी में जाते, तो फिर आप तो कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते वैसे भी. लेकिन इफ़ यू आर इन अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए फॉर गेटिंग एनी जॉब्स, कंसिडरिंग दैट देयर आर प्लेथरा ऑफ जॉब्स, राइट? UK हो, US हो, वहाँ पे प्लेंटी ऑफ जॉब्स, वहाँ पे प्लेंटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. एंड कंपनीज आर लुकिंग टू हायर स्टूडेंट्स फ्रॉम दोज अमेजिंग यूनिवर्सिटीज, फ्रॉम दोज मेरिटोरियस और हाई क्रेडिबिलिटी यूनिवर्सिटीज, राइट? UK में यू नीड टू गेट अ Tier 2 वर्क वीजा इफ यू वॉन्ट टू वर्क इन द UK. सो आपके पास Tier 4 स्टूडेंट वीजा होता है. सो वंस यू गेट अ जॉब दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय द कंपनी, then you can convert into a Tier 2 work visa and then you can work in the UK. So you need to find a company that will sponsor your work visa. Unless and until you have that company जो आपका work visa sponsor करेगी, आप UK में काम नहीं कर सकते, right? And उसके लिए काफ़ी सारे basic requirements है, मतलब basic salary ranges है कि 28,000 pounds से ऊपर की job होनी चाहिए. And ऐसे काफ़ी सारे requirements है जो आपको गवर्नमेंट ऑफ UK के वेबसाइट पे मिल जाएंगे, राइट? लेकिन 2020 तक जो भी बच्चे वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए गए थे, वहाँ पे इन द Tier 4 स्टूडेंट वीज़ा दे गॉट 1 year ऑफ ट्यूशन का जो ईयर था उसका 1 year का वीज़ा प्लस 6 months एक्सटेंशन फॉर सर्चिंग फॉर जॉब्स, राइट? लेकिन अभी करेंटली यू हैव दैट 1 year फॉर ट्यूशन एंड प्लस यू हैव गॉट अ 2 year एक्सटेंशन ऑन दैट वीज़ा. सो यू हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ गेटिंग गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज, अच्छा जॉब आपको मिल सकता है. यहाँ पे अभी आपको फिर फर्स्ट 2 years के लिए कोई वीज़ा स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है एंड आप उन 2 सालों में आराम से एक अच्छा जॉब ढूंढ सकते हो.
एंड जॉब को कैसे ढूंढना है, तो फिर कंपनी के वेबसाइट से ढूंढना है, यूनिवर्सिटी के करियर सेंटर से आप ढूंढ सकते हो। यूनिवर्सिटी की करियर सेंटर की वेबसाइट होती है, वहाँ पे काफ़ी सारे जॉब्स पोस्टेड होते हैं यूनिवर्सिटी में। ऑन कैंपस या फिर ऑफ कैंपस काफ़ी सारे करियर फेयर्स होते हैं, ट्रेड शोज होते हैं, तो आप वहाँ पे जाके कंपनी से मिल सकते हो, उनके रिक्वायरमेंट जान सकते हो, उनके पास अपना CV या फिर रिज्यूमे ड्रॉप आउट कर सकते हो। राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ एंड द बोनस पॉइंट, दैट इज मिसेलेनियस एक्सपेंसेस। कितना खर्चा आता है अकोमोडेशन में, खाने पीने में, घूमने में, तो फिर आई टेल यू वन थिंग कि अकोमोडेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 to 8 lakhs के बीच में आपका पर ईयर, जो अगर आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन सेलेक्ट करते हो, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है बिकॉज कैंपस के सेंटर में होता है, सारे सर्विसेज आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइडेड होते हैं एंड प्लस अच्छी सिक्योरिटी होती है, सो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन इज आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन। उसमें भी काफ़ी सारे रेंज हो सकते हैं, जैसे कि देर कैन बी रूम्स दैट आर प्राइस्ड लेस, एंड वहाँ से फिर देर कैन बी रूम्स दैट आर प्राइस्ड एट अ हायर रेंज। सो डिपेंडिंग अपॉन द सर्विसेज दैट यू आर चूजिंग, आप उसके हिसाब से या फिर आपके बजट के हिसाब से आप रूम्स सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन 5 to 8 lakhs पर ईयर में आपको एक रूम मिल जानी चाहिए। अगर आप लंदन में हो, आपका अगर कॉलेज लंदन में है, तो फिर वहाँ पे 10 to 15 lakhs भी हो सकता है कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन। ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए वहाँ पे काफ़ी सारे फेमस ग्रॉसरी स्टोर्स है, राइट, जैसे कि एसडा है, लिडिल है, सेंसबरी है, टेस्को है, तो वहाँ पे जाके बच्चे ग्रॉसरी लेते हैं, खाने पीने की चीज़ें लेते हैं। व्हाट आई पर्सनली यूज्ड टू डू इज दैट मैं वीक में एक बार सैटरडे या फिर संडे को आई वुड गो एंड आई वुड शॉप द ग्रॉसरीज फॉर द नेक्स्ट होल वीक। तो अगर आप वैसे करते हो तो फिर वन टाइम आप खुद कुक करोगे आपके किचन में, एंड वन टाइम यू विल ईट, दैट इज इन द आफ्टरनून यू विल ईट आउटसाइड और यू विल ईट एट द यूनिवर्सिटी, राइट। तो अगर आप वन टाइम का मील अगर आप खुद कुक करते हो, तो फिर आपको 7 days की ग्रॉसरी आई थिंक 20 to 30 pounds के अंदर आ जानी चाहिए, कंसिडरिंग आप क्या खरीदते हो। काफ़ी सब्जेक्टिव है लेकिन आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 20 to 30 pounds पर वीक में आपका ग्रॉसरी आ जाता है। एंड अगर आप कोई यूनिवर्सिटी कैफ़े में या फिर बाहर रेस्टोरेंट में अगर खाना खाते हो नॉर्मल वाले, तो फिर वहाँ पे 6 to 10 pounds के अंदर आपका वन मील हो सकता है। अगर आप बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो तो फिर देयर इज नो लिमिट, राइट। तो ये लाइफस्टाइल की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, घूमने की चीज़ें काफ़ी सब्जेक्टिव है, लेकिन जो मेरा एक्सपेंस था वो मैंने आपको बता दिया। इनफैक्ट आई हैड गॉन टू वॉच मूवी कॉल्ड जोकर 2019 में, जो जोकर आई थी, तो आई हैड गॉन टू वॉच दैट मूवी, एंड वहाँ पे मेरा टिकट का प्राइस था, मूवी टिकट का प्राइस था अबाउट 8 pounds, दैट इज अबाउट 800 rupees, तो ये भी बता दिया। So guys, that's it for today's video. These were the 5 to 6 points that I wanted to cover in this video, because this video is actually the guidance video for all people who are actually planning to go abroad for their further studies, right? So ye video mein kafi sari parts maine cover kiye jo mostly asked questions hote hain. Agar iske alawa agar aapko aur koi questions hai to fir aap niche comment box mein pooch sakte hain, LinkedIn pe pooch sakte hain, Instagram pe pooch sakte hain DM karke, and I would be very much happy to help you with those questions as well. एंड अगर आपको स्टार्टअप्स में, एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस लेसन, बिजनेस फ्रेमवर्क्स में इंटरेस्ट है, तो फिर मेरे चैनल पे जाके आप बाकी के सारे वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी सारे वीडियोस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक द वीडियो, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस ऑन टाइम, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।